safety comes first and so on. Today we are going to discuss about crown of every rider helmet. अगर आपको न्यू हेलमेट परचेस करना है तो मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एंड मॉडल्स के साथ, तो कंफ्यूजन होना ऑब्वियस है. सो वही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में एंड आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ट्राई करेंगे. सो जुड़े रहे इस वीडियो के एंड तक इस पीस ब्रो के साथ. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल रोलिंग पीस. ये वाला हेलमेट मैंने नया परचेस किया है, उसका भी अनबॉक्सिंग करते आज. न्यू हेलमेट परचेस करने के लिए मेनली चार फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे. फर्स्ट इज सेफ्टी एंड डिजाइन, सेकंड इज ब्रांड एंड बजट, थर्ड इज फंक्शंस एंड फोर्थ इज वेट एंड साइज ऑफ द हेलमेट. फर्स्ट फैक्टर की अगर बात करें डिजाइन एंड सेफ्टी की, तो मार्केट में तीन तरह के तीन डिजाइन्स के हेलमेट्स अवेलेबल है, हाफ फेस हेलमेट, मॉड्यूलर हेलमेट्स एंड फुल फेस हेलमेट्स. हाफ फेस हेलमेट की अगर बात करें तो इसमें ये सिंपल ग्लास ही आता है और यहाँ से ये चीन एरिया पूरा खुला रहता है. तो इन केस ऑफ फॉल अगर चीन एरिया पे इम्पैक्ट लगता है तो आपके दांत तो पक्के ही टूटने वाले हैं. ये सिर्फ और सिर्फ चलान बचाने के काम में आ सकते हैं और कुछ सेफ्टी के लिए काम में नहीं आने वाले हैं. बिटर ट्रूथ है लेकिन सच है. सेकंडली आते हैं ये वाले मॉड्यूलर हेलमेट, फ्लिप अप हेलमेट्स भी बोलते हैं इसको. इसको यहाँ से लॉक और अनलॉक करके हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं और ऐसे लॉक भी कर सकते हैं. लेकिन वंस अगेन इसका भी वन शेल डिजाइन नहीं है, तो इन केस ऑफ फॉल अगर चीन एरिया पे इम्पैक्ट आता है तो आपका चीन डैमेज हो सकता है. एंड ये वाले हेलमेट इसीलिए भी सेफ नहीं है क्योंकि ये सिर्फ यहाँ से एक लिंक से कनेक्टेड होते हैं, तो ये टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर आप समर राइड कर रहे हो तो हाइड्रेटेड रहने के लिए ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है. एंड सिटी राइड्स में या लो स्पीड राइड्स पे हम लोग इसको रिकमेंड करेंगे, हाई स्पीड राइड्स पे इसको भी रिकमेंड नहीं करना चाहिए. एंड थर्डली आते हैं ये वाले फुल फेस हेलमेट्स. इन केस ऑफ इम्पैक्ट ये सभी डायरेक्शन में आने वाले इम्पैक्ट से आपके सिर को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि इसमें किसी भी जगह पे जॉइंट्स नहीं है, वन शेल डिज़ाइन है, तो काफ़ी सेफर माना जाता है इस हेलमेट को कंपेयर टू दिस टू अदर्स. और सेफ्टी की ही बात कर रहे हैं तो मेक श्योर यू परचेज डॉट एंड ईसी अप्रूव्ड हेलमेट्स. सभी हेलमेट्स में यहाँ पे डॉट एंड ईसी का अप्रूवल वाला जो मार्क है वो देखने को मिल जाएगा आपको. डॉट एंड ईसी आर बेसिकली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो डिफरेंट डिफरेंट क्रैश कंडीशंस में क्रैश टेस्ट के हिसाब से सेफ्टी रेटिंग्स देते हैं हेलमेट्स को. सेकंड फैक्टर की बात करते हैं ब्रांड्स एंड बजट की. काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में फिलहाल, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ टॉप सेलिंग ब्रांड्स की बात करने वाले हैं. और अगर आपने 1.5 से 2.5 लाख ऑलरेडी बाइक पे स्पेंड करके रखे हैं तो हेलमेट पे भी एटलीस्ट 3,000 तक का बजट रखिएगा क्योंकि प्रीमियम हेलमेट्स वहाँ से ही स्टार्टिंग रेंज में स्टार्ट होते हैं. यहाँ पे हम लोग किसी भी सस्ते वाले ब्रांड्स को डिफेम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप एक अच्छा हेलमेट लेते हो तो आपके लिए ही सेफ और अच्छा रहेगा. 3 से 6 हज़ार का अगर आपका बजट है तो गो फॉर एक्सोर, इंडियन ब्रांड है, बेस्ट बजट ब्रांड है, जस्ट गो फॉर इट. सब फंक्शंस भी उसमें मिल ही जाएंगे. अगर आपका बजट 4.5 से 10 हज़ार तक का है तो SMK, MT, LS2 ये तीन ब्रांड्स के हेलमेट प्रीफर कीजिए. ऑल्दो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है लेकिन हमारे ग्रुप में सभी ये ही हेलमेट्स यूज़ करते हैं सालों से. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा फीडबैक है, इसीलिए आपको ये तीनों ब्रांड्स का नाम मैं बता रहा हूँ. इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, एक्सपेंसिव ब्रांड्स, लेकिन जिस सेगमेंट की बाइक हम लोग यूज़ करते हैं उसके हिसाब से 5 से 10 हज़ार के बजट तक का हेलमेट सही रहेगा. थर्ड फैक्टर की अब बात करते हैं फंक्शंस. MT का ये हेलमेट मैंने फंक्शंस को लेके ही सिलेक्ट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट में आना चाहिए ये वाला पिन लॉक वाइजर. पिन लॉक रेडी है, एंटी फॉग वाइजर है, ये मॉनसून राइड में बहुत ही यूजफुल होता है. सेकंडली ये वाला यहाँ पे सन वाइजर रहता है, ये भी सनी राइड में काफ़ी यूजफुल रहेगा. एंड यहाँ पे आप इसके कुशंस देख सकते हो,
ये सब पैडिंग्स बहुत ही ज़्यादा थिक है इसमें और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। यहाँ पे चिन कर्टेन भी दिया हुआ है तो जो सब एयर फ्लो है, विंड फ्लो है, वो नीचे से निकल जाएगा, अंदर कुछ भी एयर घुसेगी ही नहीं, तो नॉइज़ कैंसिलेशन भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। एंड अंदर हवा नहीं जाएगी तो हम सांस कैसे लेंगे, उसके लिए यहाँ पे दिए हुआ है इनलेट फॉर एयर, दो इनलेट है और एक आउटलेट दिया हुआ है। एंड इनसाइड ऑफ दिस यहाँ पे दोनों साइड पे स्पीकर्स और माइक के स्लॉट दिए हुए हैं, तो इंटरकॉम भी काफी इजीली इसमें फिट हो जाएगा। लास्ट फैक्टर की बात करते हैं, वेट एंड साइज ऑफ द हेलमेट। ये हेलमेट 1600 ग्राम्स का है। जनरली हेलमेट के वेट वेरी करते हैं 1400 से लेके 1800 तक के रेंज में, लेकिन हेलमेट का वेट जितना कम हो सके उतना अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा कम्फर्ट बढ़ेगा लॉन्ग राइड पे। ट्रस्ट मी, 100 ग्राम भी अगर वेट बढ़ता है तो लॉन्ग राइड पे नेक पेन होने के चांसेस रहते हैं। हमारे केस में मोटो व्लॉगिंग सेटअप लगता है, गोप्रो का केस जो एल्यूमिनियम का रहता है, एंड स्पीकर्स, इंटरकॉम, वो सब माउंट करने के बाद ऑलमोस्ट 500 से 700 ग्राम का वेट बढ़ जाता है हेलमेट में। और हम लोग कॉन्स्टेंटली 5 से 7 घंटे राइड करते हैं, कभी कभी 24 आवर्स का भी स्ट्रेच मारते हैं लॉन्ग राइड्स पे, तो हेलमेट जितना वेट में कम हो उतना कंफर्टेबल राइड रहेगा। साइज की अगर बात करें तो थोड़े टाइट साइज के हेलमेट प्रीफर कीजिए, क्योंकि नॉर्मल यूजेज के बाद इसके पैडिंग्स थोड़े कॉम्प्रेस हो गए, बाद में फेस का थोड़ा शेप ले लेते हैं, सो अच्छा है कि टाइट साइज लीजिए। इन माय केस मैंने एक्सेल साइज ये हेलमेट ऑर्डर किया है, एल साइज भी मुझे थोड़ा टाइटली फिट हो ही जाता है, लेकिन वंस अगेन मोटो व्लॉगिंग सेटअप लगाना है, इंटरकॉम के स्पीकर्स वगैरह इंस्टॉल हो गए और बालाक्लावा भी हम लोग पहनते हैं, तो एल साइज का हेलमेट बाद में बहुत ही ज़्यादा टाइट लग के सिर दुखने लगता है, सो इसीलिए मैंने एक्सेल साइज प्रीफर किया है। अगर आप मोटो व्लॉगर नहीं है तो प्रीफर लिटल टाइट साइज, डोंट गो फॉर लूज वन। एमटी का ये हेलमेट मैंने इसके ग्राफिक्स की वजह से सिलेक्ट किया है, इसके ग्राफिक्स काफ़ी कैची लगते हैं, एंड मेरा जो वाइट टाइगर है अपना रॉयल एनफील्ड हिमालयन, उसको कुछ ऐसे सिमिलर कलर्स में ही हम लोग रैप करने वाले हैं, वो भी आपको अपकमिंग वीडियोस में मैं दिखाऊंगा। एंड इस हेलमेट के प्रोस एंड कॉन्स मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में बताता रहूंगा, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, यूजफुल लगा है, देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। आप कौन सी ब्रांड का हेलमेट यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी कुछ नॉलेज पता चले। सो वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep rolling with Peace Bro.